साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बापू पे जो आरोप लगे हैं ये तो सारे आज के डेट में सारी दुनिया जान रही है कि सरासर झूठा आरोप है। विधर्मी लोग थे, ईसाई मिशनरीज हो गए, ये इन लोगों को अपने यहाँ पे उनका दाल नहीं गल रही थी। तो सबसे पहले हमारे जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले संत लोग हैं इनको साइड करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने मिशन में सफल हो पाएंगे ना। आज के डेट में हमारे कुछ एक नेता लोग भी हैं जो कि यहाँ पे तो हिंदूवादी होने का ढोंग करते हैं, बट वहाँ पे जा कर के वेटिकन सिटी में वहाँ का जो पोप है उसके चरणों में जाकर के मत्था टेकते हैं, पर सिर्फ दिखाते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, बट वो हिंदूवादी हैं नहीं। लोगों को मूर्ख बनाने के काम किया जा रहा है बस, और देश में कुछ हो नहीं रहा। अभी जेल में बैठे रहने के बावजूद भी बापू जी के जो साधक हैं हमारे, वो सतत प्रयासरत हैं सनातन धर्म को कैसे आगे ले जाएं। आज के डेट में जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी पता है कि बापू जी क्या हैं, बापू जी निर्दोष हैं, और हमारे सनातन धर्म के जितने भी आज के डेट में भाई बहन हैं सबको, मैक्सिमम लोगों को पता है कि बापूजी निर्दोष हैं। को बादल कितने देर ढक के रख सकता है, बापूजी तो आएंगे ही आएंगे। बादल आज है, बादल छट जाएगी, फिर से सूर्योदय होगा, फिर से सूर्य ऐसे ही चमकेगा। मैं मुरली मनोहर, युवा सेवा संघ दिल्ली से हूँ। बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू पे जो आरोप लगे हैं ये तो सारे आज के डेट में सारी दुनिया जान रही है कि सरासर झूठा आरोप है, क्योंकि हमारे बापूजी जो हैं सो सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जो कि हमारे कुछ विधर्मी लोग थे, ईसाई मिशनरीज हो गए, ये इन लोगों को अपने यहाँ पे उनका दाल नहीं गल रही थी। तो सबसे पहले हमारे जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले संत लोग हैं इनको साइड करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने मिशन में सफल हो पाएंगे ना। तो उन्होंने सबसे बापूजी को टारगेट किया, क्योंकि उस टाइम भी बापूजी सतत दिन रात एक कर करके सनातन धर्मियों को अपने धर्म के ज्ञान देते थे, और जो हमारे धर्म के जो सनातन धर्मी भाई बहन थे वो जो ईसाई मिशनरी में कन्वर्ट हो गए थे उनके थ्रू, उनको बापूजी ने फिर से घर वापसी करवाई, जो कि उनको नहीं पचा। तो उन्होंने सोचा कि अगर बापूजी को सबसे पहले साइड कर दिया जाए, बापूजी को उनके मिशन से साइड कर दिया जाए, तो हमारा जो मिशन है वो सफल हो पाएगा। तो आज के डेट में आप सभी देखोगे कि 2013 के बाद जो हमारे देश में धर्मांतरण का कुछ चक्र चल रहा है हमारे देश में, आज आप सभी को पता होगा कि आज के डेट में पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। क्यों? अगर आज बापूजी बाहर होते तो क्या ऐसा हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि बापूजी जब थे तो जो भी कन्वर्ट हुए थे उनको बापूजी ने वो घर वापसी करवाई थी, और वो जो है सो बापूजी के रहते हुए ये चीज़ हो ही नहीं सकता था। उन्होंने बापूजी को फंसा करके फिर से अंदर डाला, फिर अपने गाड़ी में लगे हुए हैं। आज के डेट में हमारे कुछ एक नेता लोग भी हैं जो कि यहाँ पे तो हिंदूवादी होने का ढोंग करते हैं, बट वहाँ पे जा करके वेटिकन सिटी में वहाँ का जो पोप है उसके चरणों में जा करके मत्था टेकते हैं, यहाँ पे आकर के अपने आप को दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं, हिंदूवादी होने का ढोंग करते हैं, जो कि लोगों को अब तो आँख खोलनी चाहिए लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिखावे के हिंदूवादी हैं, और हिंदूवादी है नहीं, वैचारिक रूप से हिंदूवादी है नहीं। ऊपर से सिर्फ दिखाते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, बट वो हिंदूवादी है नहीं। लोगों को मूर्ख बनाने के काम किया जा रहा है बस, और देश में कुछ हो नहीं रहा। अभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े अपराध किए हुए लोगों को बेल मिलती है, जमानत मिलती है, राहत मिलती है, बापू को नहीं मिल रही है। एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट के लिए इलाज कराने के लिए भी छुट्टी राहत नहीं मिल रही है, क्या कहोगे उसके विषय में? बापूजी को इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर बापूजी को आज के डेट में बाहर निकाल दिया जाए तो जितने भी हमारे सनातन धर्म के मुखौटे पहने हुए बैठे हुए कुछ एक मुखौटे पहन करके बैठे हुए नेता लोग हैं, और भी बहुत लोग हैं जो कि जब बापूजी बाहर थे तो बापूजी के सामने आकर के मत्थे टेकते थे, आज के डेट में अगर बापूजी बाहर आ जाएं तो उन सारे लोगों का पोल खुल जाएगा, जिसके वजह से उनको डर है कि अगर बापूजी आ जाएंगे तो हम सारे लोगों का पोल खुल जाएगा, फिर से हमारे सनातन धर्म के लोग जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे और बापूजी के साथ होंगे, और हमारी पोल खुल जाएगी। तो बिल्कुल आरोपों में आज के डेट में जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी पता है कि बापूजी क्या हैं, बापूजी निर्दोष हैं, और जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी आज के डेट में भाई बहन हैं सबको, मैक्सिमम लोगों को पता है कि बापूजी निर्दोष हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक डर है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो पीछे से और जो लोग हैं उनको दबाने वाला, कुछ लोग आवाज़ उठाते भी हैं, आवाज़ उठाते हैं जो पीछे से लोग हैं उनको दबाते हैं कि तुम बापूजी के सपोर्ट में नहीं बोल सकते हो करके, ठीक है? तो बापूजी के सपोर्ट में जो भी आते हैं उनको दबा दिया जाता है, वो फिर बेचारे कुछ दिन बोलते हैं, फिर धीरे धीरे करके दब करके शांत हो जाते हैं। क्या लगता
सूर्य को बादल कितने देर ढक के रख सकता है? बापूजी तो आएंगे ही आएंगे, बादल आज है, बादल छट जाएगी, फिर से सूर्योदय होगा, फिर से सूर्य ऐसे ही चमकेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।